दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है विंडोज़ में, हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं और वो ओपन नहीं होता, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, प्रीमियर प्रो को ओपन करने पे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये इसमें कोई फाइल मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पर हमें ये वी करंट टाइम 140.dll नाम की एक कोई फाइल है जो कि इसमें मिसिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये फाइल वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल क्रोम में यहाँ पर हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी ये फाइल, जहाँ पे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये विकरण टाइम 140 dll। यहाँ पर जैसे कि ये सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पर ये ट्यूटोरियल दिख गया है STS का, यहाँ पर हमें इस फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करना है। नीचे जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 32 bit के लिए और 64 bit के लिए। तो हमें जो सी भी हमारी विंडो है वो हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। मेरी 64 bit वाली विंडो है, तो मैं यहाँ पर 64 bit वाली फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे हमारी ये फाइल डाउनलोड पे लगने वाली है, मैं अपने PC में जाके दिखाता हूँ आपको। ये जो यहाँ पर मेरी फाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखी है, यहाँ पर करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट, जिससे हम हमारी फाइल को ओपन कर सकें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें करना है सिंपली ओपन। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये नीचे वी करंट टाइम 140 dll नाम का हमें यहाँ पर फोल्डर मिल गया है, इसमें हमें हमारी फाइल भी हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो इसके बाद हमें जाना है दिस PC पे। हम PC के अंदर जाने के बाद क्लिक करेंगे लोकल डिस्क C, उसके बाद हम क्लिक करेंगे विंडोज़ पे। विंडोज़ के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे जो है फाइल देखेंगे System 32 में, और यहाँ पर ये System 32 में जाने के बाद हमारी जो है फाइल है वी करंट टाइम 140 dll, इसको हमें यहाँ से कट करके और इस System 32 में हमें यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ेगी। कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारी यहाँ पर ये फाइल इसके अंदर आ चुकी है और हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम भी सोल्व हो चुकी है। इसके बाद हमें करना होगा हमारे PC को रिस्टार्ट, और रिस्टार्ट करने के बाद हम हमारे प्रीमियर प्रो को जैसे चलाते हैं तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।